गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है हमारा गोवा में दूसरा दिन। गुड मॉर्निंग, क्या एक बज गया है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? क्रूज पे। तो अभी हम लोग को ये ट्रैवलर लेने आया है और ये लेके जाएगा, फिर हम लोग क्रूज पर रहेंगे करीबन 4-5 घंटे। आज हम लोग वहीं पे बताएंगे और दिखाते हैं हम लोग कैसा है। बाकी सब टीम तैयार है, टीम की तबीयत नहीं ठीक है आज। पारुल और हम ऑलवेज रेडी है। ट्रैवलर से हम आ गए हैं बस में और हमारी जर्सी सीट मिली है हमें सबसे फ्रंट की। अब हम जा रहे हैं पंजिम, जो दृश्यम में अजय देवगन गए थे जहाँ पे सत्संग सुनने। आज आप लोग आ जा रहे थे सत्संग सुनने। और पुल देखिए, ये गोवा में नया पुल बना है, इस पर टू व्हीलर अलाउ नहीं है। जिस पे हम जा रहे हैं, यानी जो ऊपर से आपको दिख रहा है वो, उस पर अगर आप टू व्हीलर लेके जाएंगे तो आपका 1000 रुपये का चालान कट जाएगा। हम कर चुके हैं वो गलती, लेकिन हम बच गए थे, हमारा चालान नहीं कटा। क्योंकि हम बाहर से थे तो हमने बहुत बात करी तो उनने चालान नहीं काटा। लेकिन आप भूल के भी टू व्हीलर लेके उस पुल के ऊपर ना जाएं, क्योंकि बोर्ड तो लगा नहीं है लेकिन वहाँ पे चालान काटने के लिए पुलिस वाले ज़रूर खड़े रहते हैं, क्योंकि वो अमीरों वाला पुल है। वहाँ पे टू व्हीलर अलाउ नहीं है, 4 व्हीलर आप सिर्फ लेके जा सकते हैं। अगर टू व्हीलर से लेके जाएंगे तो चालान कटेगा। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं पंजाब सत्संग सुनने। और सत्संग सुनने नहीं है, हम लोग क्रूज पे जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है भाई? थोड़ा सा हेडेक फील हो रहा है। हाँ आप बताइए, अच्छा लग रहा है? हम लोगों के साथ एक इरिटेटिंग पर्सन मिल गया हमको, तो ज्यादा इरिटेट हो चुके थे हम। ओके, तो ये है रास्ता, अब हम लोग जाएंगे पोर्ट पे। और प्रशांत भाई कौन सा गाना गाएंगे? गोवा वाले बीच पे। और हम लोग गाना गाएंगे, हाँ दिस वन, पवन के शोर शोर में। अब मैं क्या बताऊं, आज मैं करेक्ट सॉन्ग वाले मोड में नहीं हूँ, बिकॉज़ उसका रीजन भी यही याद है। हाँ तो सही सही गाना बताओ। और ये देखिए डैडी और बेबी ट्यूनिंग करते हुए, मैं भी कर रही हूँ। और फाइनली हम आ गए बोर्ड पे। कुछ ये व्यू है, हम लोग टॉप पे आए हैं। यस, क्योंकि हमें टॉप का व्यू देखना है, हम लोग बैठने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमने अपना किनारा छोड़ दिया है और हम निकल चुके हैं कश्ती में अपनी, और हम जा रहे हैं समुंदर की लहरों में। हम जा रहे हैं अपने क्रूज में। कुछ नहीं सच बात चौपरा की, दहाड़ है जवानी मर्दान की मस्तान की। सिया कहाँ जा रही हो? पानी में जा रही है। क्या करोगी, क्या करोगी सिया, क्या करोगी, क्या करोगी? हाँ बोटिंग तो गंदे हैं।
तो सिया भी रेडी है पानी में जाने के लिए, कह रही हम। तो ये लोग दोनों लोग बोट राइड पे जा रहे हैं। इस बोट का जो कॉस्ट है वो पर पर्सन 200 रुपये है, ये आपके पैकेज में इंक्लूड नहीं होता है। पूरे क्रूज़ का जो कॉस्ट है पर पर्सन 1800 रुपये, ये आपको बताएंगे। और हमने बार्गेनिंग करके वो कॉस्ट जो है वो 1300 रुपये पर पर्सन दिया था। उस 1300 पर पर्सन में हमको एक टाइम का मील मिली थी और शाम का स्नैक और कोल्ड ड्रिंक अनलिमिटेड है और पानी अनलिमिटेड मिलता है। इसके अलावा 3 बियर का राउंड करते हैं ये, जो बियर के पाइन होते हैं वहाँ पे, वो 3 आपको पर पर्सन मिलते हैं। अगर आप पीते हो तो लीजिए, ना पीते हो तो ना लीजिए, वो उनका कहना है। बाकी लोग ले तो सब लेते हैं, चाहे पिए या ना पिए, कि वो आप ले सकते हो आराम से। इसके अलावा उसमें जो एक्टिविटी मिलती है वो करीबन 5-6 एक्टिविटी मिलती है। एक तो आपको और डॉल्फिन दिखाएंगे एक जगह, फिर आपको फिशिंग करनी हो वो भी कराएंगे, और 4-5 एक्टिविटी और, वो आपको आगे वीडियो में दिखेगी। इस क्रूज़ वाले का जो नाम है वो है ड्रीम कैचर H2O एडवेंचर राइड, और ये उस 1300 रुपये में आपको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी देते हैं, भले ही आप कहीं भी रहते हो। अगर आपने इनका बुक कर रखा होगा तो ये आपको अपने होटल से उठाएंगे और होटल पर शाम को ड्रॉप भी करेंगे। 4 या 5 घंटे की राइड होती है, करीबन 25 किलोमीटर ये आपको समुद्र के अंदर घुमाते हैं, और जहाँ पे ये अभी आप बोटिंग देख रहे हैं ये एक जगह ले जाके उसको रोक देते हैं और वहीं पे सारी एक्टिविटी कराते हैं। और पूरे में आपको बहुत एंजॉय आएगा, डीजे परमानेंट बजता रहता है और सब एंजॉय करते रहते हैं लोग, अपना बियर पी के मस्त रहते हैं, जिसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए वो पी के मस्त रहता है। और खाने में ये आपको वेज वाले और नॉन वेज वाले आपको पहले बताना पड़ेगा, वेज वालों को ये वेज बिरयानी देंगे, नॉन वेज वालों को नॉन वेज बिरयानी देंगे। बिरयानी मिलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और शाम को पेटीज़ मिलेगी और कोल्ड ड्रिंक, और बच्चों के लिए आपको कुरकुरे खरीदने हो तो वो कुरकुरे चिप्स जो भी लेना हो 20 रुपये पर पीस वहाँ पर मिलते हैं। सिया मज़ा आई बहुत मजा आ गया, बहुत। और एक ये एक्टिविटी है जो आपको लाइफ जैकेट बना के पानी में नहाने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो पीछे बोर्ड दिख रही है वो रस्सी से बंधी है, आप उसको भी चला सकते हैं। टर्न बाय टर्न यहाँ पे नंबर आता है, 10-10 मिनट सबको, 10 से 15 मिनट सबको मिलता है। और अब हम वापस पणजी में आ गए हैं, और जितने भी बड़े बड़े आपको ये शिप दिख रहे हैं 3-4, ये सब कैसीनोस हैं। यहाँ पे बिग डैडी है, रॉयल कैसीनो है, बहुत से कैसीनो यहाँ पे मिलेंगे आपको, जिसकी एंट्री फीस करीबन 2500 से लेकर 5000 के बीच में मिलेगी आपको एंट्री फीस। ये किंग कैसीनो है, यहाँ पे जो आपको एंट्री फीस देनी होगी, इसमें आप जितना चाहे अपना अनलिमिटेड स्नैक्स और ड्रिंक दे सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो यहाँ पे कैसीनो है जो बाहर से मैंने देखा है वो बिग डैडी है। बिग डैडी से अच्छा यहाँ पे कोई भी कैसीनो है नहीं उसके टक्कर का। तो ये कैसीनो है बिग डैडी, इसकी एंट्री फीस यहाँ पे 2500 रुपये पर पर्सन है, और बहुत लग्जरी है आगे, मतलब इसकी एंट्री जब इतनी लग्जरी होगी तो कैसीनो को इतना लग्जरी होगा। यहाँ फिल्म स्टार स्टार बहुत लोग आते हैं। तो अब हम लोगों ने बोट छोड़ दिया है और हम लोग अब जा रहे हैं अपनी बस के लिए, बस पे बैठते हैं फिर निकलते हैं। अब हमारी फाइनल राइड कंप्लीट हो रही है और हम होटल के लिए मूव ऑन हो गए। बस हम लोग जा रहे हैं होटल, पिक एंड ड्रॉप सर्विस है इनकी, 1300 रुपये पर पर्सन हम लोगों ने दिया है, और उसमें हमको लंच मिला है, कोल्ड ड्रिंक मिली है, अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक, अनलिमिटेड पानी। इसके अलावा पर पर्सन को 3 बियर मिलती है अगर आप पीना चाहो तो, और शाम को स्नैक में पैटीज। तो अब हम लोग
पंजिम से सक्शन सुन के वापस बागा बीच जा रहे हैं। तो फिर हम बागा बीच पहुंच गए और फिर हम पहुंचे रात में, क्योंकि अभी हमको दिन में पहुंचने का बागा बीच का मौका नहीं मिला। और दो दिन हम लगातार बागा बीच घूमने की सोचा, लेकिन हम घूम नहीं पाए क्योंकि हमारा अदर कहीं का प्लान था। और बागा बीच हम रात में डेली रात में 12 बजे के बाद ही पहुंचते हैं, देखते हैं कब हम बागा बीच पहुंचते हैं। और आज का दिन हमारा यहीं एंड होता है और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।